हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का ये चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का फिफ्थ लेक्चर। अब से पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ सपोर्ट और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसके लिए हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर पूरी स्पैन पर यूडीएल लगा है। ठीक है, इसी के ऊपर दो पॉइंट लोड भी कार्य कर रहे हैं जिनके वैल्यू 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। यूडीएल की वैल्यू 8 किलोमीटर पर मीटर है। ये डिस्टेंसिस 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर है, यानी कि तीनों जगह 2-2 मीटर है। ठीक है, हमको कहा गया है सेम एज यूजुअल कि आप इसके लिए एसएफटी और बीएमडी ड्रॉ कीजिए। चलिए इसके लिए एसएफटी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या पार्ट रहता है, अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस, ऊपर की तरफ देखिए, इसमें पॉइंट नहीं माने हैं ए बी सी डी, और जहां जहां रिएक्शन है, सॉरी हाँ, जहां जहां सपोर्ट है वहां वहां हम एक रिएक्शन मान लेंगे। ठीक है, आर ए और आर डी। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्सेस हो गए आर ए और आर डी, फोर्सेस लगे हैं 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर और एक यूडीएल। यूडीएल 1 मीटर के लिए 8 किलोमीटर है, जबकि टोटल कितना लेंथ है 2, 2, 4, 6 है, तो टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा 8/6। ये हो जाएगा 57। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। जनरली हम इसमें अब तक कैसे क्या कर रहे हैं, ए के परिताप ढूंढ ले रहे हैं, ऑन टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, इसे बोलते हैं ए के परित आप ढूंढ लेने पर। आप इसको सेम लाइन लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि ए के परित आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं यहां पर ए के परित आघूर्ण के लिए सबसे पहले 5, देखिए आर ए इंटू 0, क्योंकि इसी पॉइंट पर हम खड़े हैं और इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन है 5, जब मैं ए के ए पर हूं और ये 5 को मेरे तरफ आना, तो ये क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज की वजह से प्लस लगाया, 5 का फोर्स है इसलिए 5 और 2 की दूरी पर है इसलिए 2, 5 इंटू 2 प्लस, इसी तरीके से 4 के लिए 4 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी 4, सारी डिस्टेंसेस ए से काउंट होगी। ठीक है, और दोनों ही क्लॉकवाइज थे इसलिए प्लस लगाए गए। नेक्स्ट है यूडीएल, यूडीएल की टोटल वैल्यू है 8 इंटू 6, पूरी स्पैन पर है, पूरी लंबाई पर है, तो 2, 2, 4, 2, 6 की लेंथ हो गई और ये अपने सेंटर पे वर्क करेगा, यानी कि 3 की दूरी पर। ठीक है, माइनस आर डी इंटू 6, आर डी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा और 6 की दूरी पर है, 2, 2, 4, 2, 6 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए इसको माइनस मिल जाएगा। आर डी इंटू 6 इधर जाके प्लस हो गया। अब सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है, 3, 6, 18, 18, 144, आर डी इज इक्वल टू 160। तो इस तरीके से आपको आर डी का वैल्यू मिल गया। सेम आप इसको इक्वेशन 1 से आर ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में आर डी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा 57 सब्ट्रैक्ट बाई 28
29 ये आपका सॉल्व करके आ गया। तो अब इस तरीके से हमें क्या मिल गया, रिएक्शंस मिल गई। हाँ, आप ये सब प्रोसीजर पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कैलकुलेशन फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम, कैलकुलेशन फोर शियर फोर्स डायग्राम। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन फोर शियर फोर्स डायग्राम। जैसे हम पहले के लेक्चर्स में कर रहे थे, यहाँ पर भी शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हर पॉइंट पर दो बार शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक बार उससे पहले के लिए, यानी कि एक बार उससे पहले के लिए शियर फोर्स बिफोर ए, और एक बार उससे बाद के लिए, हर पॉइंट पर दो बार। यहां से लेफ्ट से सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं, पहले ए के लिए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ए से पहले पहले, ए से पहले कोई फोर्स नहीं है, जीरो, ठीक है। शियर फोर्स एट ए, इसका हिंदी में मतलब होता है शियर फोर्स ए तक कर्तन बल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था, सॉरी, इसका मतलब होता है ए पर कर्तन बल, लेकिन आपको मैंने मतलब बताया तक लेना है आपको, यानी कि ए तक। ए पर क्या कार्य कर रहा है, आर ए, जिसका वैल्यू है 28.67, ठीक है। तो 28.67 आर ए के इक्वल आएगा। माइनस मैंने इसके लिया है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाले बल को नेगेटिव और नीचे की तरफ लगने वाले बल को पॉजिटिव काउंट करना है। शियर फोर्स बिफोर बी, बी से पहले पहले, यानी कि बी ये रहा, इस पर अगर मैं उंगली रख लूं तो मुझे इससे पहले जो भी दिखाई दे रहा है कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे को इससे पहले दिखाई दे रहा है 28.67, और जी हाँ, यूडीएल भी दिख रहा है, बिल्कुल यूडीएल भी दिख रहा है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी जितना दिख रहा है केवल उतना, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ 2 मीटर की लेंथ के लिए दिख रहा है, अगर मैं बी से पहले देखूं तो मेरे को सिर्फ 2 मीटर की लेंथ के लिए दिख रहा है, तो इसका वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए प्लस का साइन आएगा, 8 × 2, तो ये वैल्यू कितना बचा, 12.67। बी से पहले पहले, एक बार और समझ लीजिए, बी से पहले पहले देखिए आर ए है और एक ही यूडीएल है, स्प्रिंग जितना दिख रहा है उतना ही लेंगे हम बी से पहले पहले के लिए, ठीक है। तो बी से पहले 28.67 था और 8 × 2 था, यूडीएल 8 का था लेकिन 2 मीटर की स्पैन का ही केवल पहले है, तो जितना दिख रहा है यूडीएल केवल उतना ही काउंट करना पड़ेगा, और इसको सोल्व करके आ गया 12.67। इसी तरीके से शियर फोर्स एट बी, यानी कि बी तक का कर्तन बल, देखिए बी तक के कर्तन बल के लिए आप बी पर आ जाइए, अब आपको बी तक लेना है, यानी कि बी पर जो है उसको भी कंसिडर करना है, पहले के तो ले नहीं है, उस पर जो है बी पर वो भी कंसिडर करना है। तो ये हो गया आपका 28.67 जो कि माइनस है, यूडीएल 8 × 2 वो भी है, और नेक्स्ट अब की बारी 5 किलोन्यूटन का काउंट होगा, ठीक है। तो अब की बार वैल्यू ले जाएगी 7.67 किलोन्यूटन। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए सी, शियर फोर्स बिफोर सी। ये पॉइंट्स हम पहले ही मान चुके थे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपको ये दिए हुए होते हैं, ए बी सी डी पॉइंट्स आपको दिए हुए होते हैं, अगर नहीं दिए हैं तो आप खुद से सपोज कर लेंगे। हर उस पॉइंट को एक पॉइंट लेना है जहां पर कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा हो, मतलब कि यूजुअल कि वहां पर कोई पॉइंट लोड है या यूडीएल की स्टार्टिंग है या यूडीएल का एंड है, वहां पर आप एक पॉइंट ले सकते हैं या कोई सपोर्ट है, ठीक है। शियर फोर्स बिफोर सी, यानी कि सी से पहले पहले, सी से पहले पहले यानी कि 28.67 प्लस यूडीएल, सी से पहले पहले में ये यूडीएल दिख रहा है, लेकिन अब की बार 2 मीटर का नहीं 4 मीटर का दिख रहा है मेरे को सी से पहले पहले, ठीक है। तो सी से पहले मेरे को 8 × 4 का यूडीएल दिख रहा है, तो सी से पहले मेरे को जितना यूडीएल दिख रहा है मैं सारा कंसिडर करूंगा। इसके अलावा मेरे को 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी दिख रहा है, तो तीनों को काउंट कर लेंगे, 37 और 28 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 9, 8.33। अब की बार ये प्लस आ गया, शियर फोर्स एट सी,
ठीक है। एट सी का मतलब मैंने आपको बताया था सी तक, यानी कि जो सी पर है उसको भी कंसिडर करेंगे, उससे पहले जो है वो भी कंसिडर किए जाएंगे। इसका मतलब 28.67 प्लस 8 × 4 प्लस 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में जो ये 4 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है ये भी कंसिडर हो जाएगा। तो ठीक है, 4 को भी ऐड कर लेते हैं तो अब कितना बन गया है 12.33। ठीक है, फोर्थ और आई थिंक लास्ट पॉइंट, शियर फोर्स बिफोर डी, यानी कि डी से पहले पहले आप देख सकते हैं, अगर मैं डी के पॉइंट को छोड़ दूं इसके अलावा सारा, तो मेरे को सारे बल सारे फोर्सेस आ जाएंगे काउंट में, तो सभी को लिख लीजिए 28.67। हाँ, यूडीएल अब की बात पूरा आएगा क्योंकि 8 × 6, अब की बात सी से पहले पहले में ही सारा यूडीएल है, तो 8 × 6। नेक्स्ट 5 का पॉइंट लोड और 4 का पॉइंट लोड, तो टोटल कितना आया काउंट होके 48, 52, 3, 57, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 28.33 आ जाएगा। शियर फोर्स एट सी, यानी कि सी पर, सॉरी डी चल रहा है ना, शियर फोर्स एट डी, डी पर कर्तन बल। ठीक है, तो अब की बार हमको पूरी बीम का काउंट कर लेना है डी तक, यानी कि डी तो पूरी बीम हो गई, तो अब हमें सब कुछ काउंट कर लेना है सीक्वेंस में। 28.67 भी लेंगे, 8 × 6 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और माइनस के 28.633 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको जीरो, सॉरी इसको माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं बल उनको आपको निगेटिव लेना है और जो बल नीचे की तरफ लग रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, और ये आखिरी में सोल्व करके जीरो आ रहा है, मतलब कि हम एसएफटी बीएमटी सही कर रहे हैं, हमारी रिएक्शन भी कुछ हद तक सही है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि असली कैलकुलेशन चेक होती है बीएमटी के लास्ट स्टेप पे, कि हाँ हमारी रिएक्शन सही है या नहीं है, वो हमको लास्ट में आते ही तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। जैसा आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, बीएमडी के लिए भी सेम वही स्टेप्स रहेंगे, आपको हर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो भी सिर्फ एक बार, बेंडिंग मोमेंट एट ए बी सी डी। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए, ए रहा, इससे पहले कोई फोर्स नहीं है तो जीरो। सेकंड, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पर आघूर्ण, बी पर आघूर्ण, यानी कि बी पर हमें आघूर्ण निकालना है, तो ये सब ये है बी, इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लोड है या कहते हैं आप रिएक्शन है 28.67 का, और थोड़ा सा यूडीएल है, दोनों ही चीजों के लिए हमें आघूर्ण लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 28.67 का, 28.67 देखिए बी पर हूं मैं और यहां से ये मेरी तरफ आ रहा है इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन कैसी बन गई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की वजह से मैंने इसको प्लस ले लिया, और डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, इसको मेरे पास 2 मीटर की दूरी से आना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 28.67 × 2 आएगा किसमें, मोमेंट में। इसी तरीके से बी से पहले पहले मेरे को ये यूडीएल दिख रहा है 5 × 2 का, लेकिन ये माइनस में जाएगा, सॉरी 5 का नहीं है, बी से पहले पहले मेरे को ये मूवमेंट दिख रहा है 2 मीटर की लेंथ के लिए, तो यूडीएल की वैल्यू है 8 × 2। ठीक है, ये इसका टोटल वैल्यू हुआ, लेकिन ये काम कहां करेगा, अपने सेंटर पर, इस जगह पर, तो ये दूरी मुझसे कितनी है, यानी कि बी से कितनी दूरी है, ये
एक वन ओनली, तो टोटल मोमेंट हो गया 8 × 2 × 1। 8 × 2 तो केवल फोर्स है, बल गुना दूरी, ठीक है। यूडीएल में दो का गुना करने पे ही टोटल बल बनता है, फोर्स बनता है, और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होने से ये तो टोटल आघूर्ण बन गया। 8 × 16, और इसको सोल्व करेंगे, चलिए सोल्व करते हैं, 28.67 × 2 − 16, ये आ गया आपके लिए 41.34 यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर आघूर्ण के लिए। थर्ड पॉइंट आपका सी, बेंडिंग मूवमेंट है सी, यानी कि सी के पर आघूर्ण या सी पर आघूर्ण, ठीक है। तो सी पर आघूर्ण के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप सी पर अपने आपको सपोज कीजिए, 28.67 सबसे पहले आघूर्ण लगाएगा, प्लस रहेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज आघूर्ण है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। डिस्टेंस इसके लिए रहेगी 4, डिस्टेंस रहेगी 4, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, यूडीएल, डिस्टेंस रहेगी 4। इसके बाद नेक्स्ट कौन, ठीक है, डिस्टेंस 4 हो गया क्योंकि मैं सी से काउंट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट कौन है, यूडीएल, यूडीएल देखिए 8/4, सी से पहले 4 मीटर की लेंथ के लिए है यूडीएल, ठीक है। और ये कहां काम करेगा, अपने सेंटर पे, 4 मीटर का हाफ कितना होता है 2 मीटर, तो ये यहां पर काम करेगा। नेक्स्ट कौन दिख रहा है, सी से पहले पहले में एक 5 kN का फोर्स और दिख रहा है जो कि 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। टोटल हमारा ये मोमेंट कितना आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, 28.67 × 4 − 32 × 2 − 5 × 2, ये हो गया 40.68, पॉजिटिव आया है। लास्ट पॉइंट फोर्थ, फोर्थ पॉइंट आपके लिए बेंडिंग मूवमेंट एट डी, सी पर मैंने ये 4 kN को कंसीडर नहीं किया था क्योंकि ये सी पर ही है, इसको कंसीडर करता भी तो 4 × 0 लिखना पड़ता, तो कोई फायदा नहीं था। अब की बार इसको कंसीडर किया जाएगा जब हम डी पर है, डी से देखते हैं 28.7 × इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, मैं खुद डीपर हूं, फोर्स यहां पर है, तो डिस्टेंस टोटल हो गई हमारे बीच में 6। नेक्स्ट है यूडीएल 8 × डी से पहले पहले सारा ही यूडीएल है, तो 8 × 6, और ये अपने सेंटर में वर्क करेगा, तो इसके लिए मोमेंट बनाने के लिए आघूर्ण हो गया 3 से मल्टीप्लाई करके। अब −5 × 5 का जो पॉइंट लोड है वो मुझसे दूरी पर है 4, तो 5 × 4, इसी तरीके से जो 4 का पॉइंट लोड है वो मुझसे दूरी पर है 2 मीटर की, तो ये टोटल आ गया। सोल्व करके आ जाएगा ये हमें जो ही चाहिए, 28.67 × 6 − 8 × 6 = 3 − 5 × 4 − 4 × 2, हाँ अप्रोक्स 0 आ, तो ये सही है, मतलब कि हमारा जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि आखिरी तक भी 0 आया है। तो इस तरीके से हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन किया है। अब हमारा काम सिर्फ है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है, चलिए वो भी करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट अब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या है, सेम वही कि सबसे पहले आप एक पूरा ब्लैंक पेज लीजिए, फुल पेज, उसमें ऊपर की साइड में सबसे टॉप पोर्शन में आपको ये बीम बनानी है एज यूजुअल, ठीक है। बीम की लंबाई पूरे पेज को कवर करती हुई बना, ठीक। उसके बाद आप उसमें क्या करना है, सेम बीम पर फोर्सेस मेंशन और हर पॉइंट से एक डॉटेड लाइन लीजिए, जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी, ज्यादा भी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में चार ही है, तो सभी से डॉटेड लाइन लीजिए। अब इस लाइन पर कहीं पर एक बीम बनाइए, ठीक है, पहले क्वेश्चन के तरीके से, और इस पर पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए ए बी सी डी। अब जो हमने कैलकुलेशंस की थी शियर फोर्स डायग्राम के लिए, इन सभी वैल्यूज को इस बीम पर मार्क करना है, ठीक है। वैल्यू मार्क करते हुए ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यूज नीचे और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, और हर पॉइंट पर दो वैल्यू मार्क की जाएगी क्योंकि हमने दो बार कैलकुलेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं, जीरो ए पर जीरो, दूसरी वैल्यू 28.67 अप्रोक्स ध्यान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पर दूसरी वैल्यू है 12.67 जो कि इसके हाफ से भी कम है, यहां ले लेते हैं लगभग। बी पर दूसरी वैल्यू है 7.67 जो कि इसका भी हाफ है लगभग, तो यहां पर मार्क कर लिया, बी पर भी दो वैल्यू हो गई। सी पर पहली वैल्यू है 8.33 जो कि ऑलमोस्ट 7 के इक्वल है, तो इतना ही डिस्टेंस लेके मैंने इसको ऊपर की साइड मार्क कर दिया। दूसरी वैल्यू है 12.33, ये मैंने यहां पर लगभग करके मार्क कर दिया। आपको ये डिस्टेंस अप्रोक्स में लेनी है अंदाजे से, पर बस ध्यान रखना है कि 8 कम है तो नीचे रहे, 12 ज्यादा है तो ऊपर ही रहे। नेक्स्ट है 28.33 जो कि डी पर है, तो ये इससे डबल आएगा लगभग यहां तक 28.33, और लास्ट वैल्यू है 0, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें इन्हें आपस में मिलाना है डॉटेड या कंटिन्यूअस लाइन से, इस टेबल के हिसाब से। टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर बीम पर पॉइंट लोड हो या यूडीएल हो, अभी यहां पर यूडीएल है तो पूरी यूडीएल के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। तो इसने कहा है कि आपको इसमें देखिए यूडीएल और यूडीएल के सेक्शन में क्या है, यूडीएल और एसएफडी, इसमें सेक्शन में क्या आ रहा है, इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो आप इसमें इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने इनको पॉइंट्स को मार्क किया है। अब आप देख सकते हैं ए से बी के बीच में यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन आया, बी से सी के बीच में भी यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन आया, और सी से डी के बीच में भी यूडीएल है तो एक इंक्लाइन लाइन आई, ठीक है। पॉइंट लोड के केस में ऐसे वर्टिकल लाइन आती है जो कि यहां पर आ गई 4 और 5 की वजह से, तो कुल मिलाकर ये हमारा एसएफडी तैयार हो गया। इसको हम बोलते हैं एसएफडी, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज हम बीएमडी के लिए भी करेंगे। बीएमडी के लिए भी आप ऐसे ही एक बीम बनाइए, उसको नेमिंग कीजिए एबीसीडी, इसके बाद जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके लाए हैं उनको मार्क कीजिए, पहली वैल्यू 0, दूसरी 41.34, दूसरी वैल्यू 41.34, तीसरी वैल्यू यानी कि सी पर 40.68 ऑलमोस्ट इक्वल, और लास्ट 0, ठीक है। अब इन्हें भी हम इस टेबल के हिसाब से मिलाएंगे। टेबल में लिखा है कि अगर यूडीएल हो और बीएमडी मिला रहे हो तो आपको पैराबोला से मिलानी है। अब पूरे बीम पर आप देख सकते हैं यूडीएल है तो हम यहां पैराबोला फॉलो करेंगे, तो आपको सभी जगह पैराबोला से मिलाना है। ये आप स्केल का यूज नहीं करेंगे गलती से भी, अगर आपने यहां स्केल का यूज करा तो बीएमडी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों जगह आप पैराबोला का यूज करेंगे। अभी बचा ये पोर्शन, ये मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आप नोटिस कीजिए कि इस जगह पर शियर फोर्स का मान 0 है, इसको एक नया नाम दे दो चाहे ई पॉइंट, ठीक है।
ई पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि शियर फोर्स का मान जीरो है, और जहां पर शियर फोर्स का मान जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जहां पर शियर फोर्स जीरो वहां बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम। तो हम इस पॉइंट को बीएमटी में मार्क करेंगे स्पेशली से, स्पेशली हम इस पॉइंट को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में अलग से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, आपको ये पॉइंट हाईएस्ट दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये इस तरीके से बनाना है कि यहां पर ये पैराबोला हाईएस्ट दिखे। तो आपकी बीएमटी पूरी तैयार हो गई पॉजिटिव में, इसी को हम बोलेंगे बीएमटी। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ये कहा जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का मान बताइए। ठीक है, यहां पर देखिए जो वैल्यू आई है हमें नहीं पता है कितनी है। ठीक है, तो कई न्यूमेरिकल्स में कहा जाएगा कि बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहां पर है और उसका मान बताइए। दोनों ही चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है इस पूरे एसएफडी बीएमडी के अलावा, यानी कि आपने इतना काम तो कर ही लिया है एसएफडी बीएमडी का। इसके अलावा एक एडिशनल क्वेश्चन आता है कि आप इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की लोकेशन और मान वैल्यू बताइए। ठीक है, तो वो कहां से बताएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए सर, आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉइंट नया आया है तो मैंने ई से मार्क किया है। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पर शियर फोर्स जीरो और बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। लेट अस सपोज ये लेफ्ट हैंड से एक्स मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं सिरे से एक्स मीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं शियर फोर्स इस पॉइंट पर निकालने लग जाऊं यहां हम हेडिंग लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक नया पॉइंट मिल गया है ई। आप डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं कि पर शियर फोर्स जीरो और बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस पर शियर फोर्स काउंट करेंगे, शियर फोर्स एट ई। ठीक है, ई पर शियर फोर्स देखिए जैसे आपने यहां पर निकाले थे ना सभी कैलकुलेशन, ऐसे ही शियर फोर्स एट ई यानी कि ई तक का शियर फोर्स निकालो। ई तक के शियर फोर्स में आप देख सकते हैं कि एक तो 28.67 है, नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे ऊपर की तरफ है, नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ को हम माइनस लेते हैं। इसके अलावा यूडीएल है प्लस में 8 × x आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन इतनी डिस्टेंस के लिए यूडीएल है तो इतनी डिस्टेंस को हमने x मान लिया है तो x आएगा 8 × x। नेक्स्ट 5 को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये भी e से पहले पहले में आ रहा है तो प्लस के 5। आपको पता है डायग्राम के हिसाब से कि e पर शियर फोर्स जीरो है तो मैं इसको ऑटोमेटिकली जीरो रख सकता हूं और बाकी के लिए सॉल्व कर सकता हूं। 28.67 प्लस 8x प्लस 5, यहां से आपको सिंपली सोल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी। 28 से 5 गया 23.67 डिवाइड बाय 8, ये आपको सोल्व करके वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व कर लेते हैं 23.67 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 2.96 958 आ रहा है, मैंने इसको 96 मीटर लिख लिया है। ठीक है, तो एक आंसर मेरा यही आ गया। आंसर क्या आया है कि बाएं सिरे से 2.97 मीटर की दूरी पर, 96 मीटर की दूरी पर। ठीक है, एक बार हम इस डिस्टेंस को चेक भी करेंगे। आप इस पर कॉमन सा चीज देखिए कि ये 2 मीटर है। ठीक है, और ये आंसर कितना है 2.96 यानी कि 2 से ज्यादा, लगभग 3। तो ये आंसर सही भी है क्योंकि इसका मान 3 ही आना चाहिए था लगभग। डायग्राम में भी देखेंगे हम तो देखें तो ये 3 मीटर के आसपास ही बैठ रहा है, तो मतलब हमारा डायग्राम बहुत हद तक सही है, आंसर भी सही है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट एट ई, ई पर आघूर्ण। ई पर हमें आघूर्ण भी निकालना है। यहां पर ये कितना है, मैक्सिमम तो हमने कह दिया पर कितना मैक्सिमम, कितना ज्यादा है, कितनी वैल्यू है इसकी, ये अब हम निकालेंगे। तो सेम जैसे आप वैल्यू निकालते हैं एबीसीडी पर, इसी तरीके से ई पर भी आघूर्ण निकालेंगे। 28.67 इंटू
देखिए E के अबाउट ले रहे हैं, E को भी यहां तक मार्क कर लीजिए चलिए, और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लीजिए E के अबाउट, तो 28.67 और डिस्टेंस कितनी है X, X को मैं 2.96 ले सकता हूं, ठीक। ये क्लॉकवाइज था इसलिए प्लस, माइनस में यूडीएल आएगा, यूडीएल की वैल्यू है 8 × x, कितना यूडीएल है ये इतना, तो ये डिस्टेंस है 2.96 वैल्यू है तो मैं रख सकता हूं, और ये अपने आधे पे काम करेगा, तो 2.96 बाय 2, इसको हाफ पे डिवाइड कर दिया तो बाय 2 हो गया। ई पर आघूर्ण ले रहे हैं तो ये 5 का पॉइंट लोड भी आघूर्ण लगाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस के 5 × डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आएगी, ये आएगी 2.96 से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि 0.96। आप इसको सॉल्व करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, देखिए कितना आता है सॉल्व करके, ये आ गया 45, ये वैल्यू आ रहा है 45.016 किलोमीटर मीटर, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, आपका आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद आपका एक स्टेप और बढ़ गया है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में, मैं मानता हूं ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, पहला स्टेप रहता है आपको रिएक्शन फाइंड करनी है, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम करना है, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करना है, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, और उसके बाद एट लास्ट अगर बेंडिंग मोमेंट की कहीं पोजिशन है उसमें बेंडिंग मोमेंट का केस आ रहा है मैक्सिमम वाला, तो फिर उसकी वैल्यू और उसकी लोकेशन यानी कि कहां पर है दोनों फाइंड करने हैं। अब ये न्यूमेरिकल अपने आप में कंप्लीट है, ठीक, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे और न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में लाते रहेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।